बुड्ढा कहाँ है? वो ही तो है जो उसकी मदद कर रहा है। बाबूजी की जान को खतरा है, हमें उन्हें जल्दी घर शिफ्ट करना होगा। अरे भाई, अरे लात सी मुंह दिखाई बंद कर, क्या जल्दी? बेटा कुछ दे ना, सुबह से एक रुपए की कमाई नहीं हुई रे। आप चाहे तो ये आम ले सकती हैं। खुश रहे बेटा। चलो मिल गया ना। चलो, आपको डर नहीं लगता इन लोगों से? इंसानों से क्या डरना, सिवाय उसके जो भरोसा जीतने के बाद छुरा घोंपते। हम फिर से आपका भरोसा जीतेंगे मैडम जी। चलो। रागिनी कहाँ हो तुम? चलाओ गोली, चलाओ गोली, आज चलाओ गोली। अरे कहाँ हो तुम? वो दोनों अनुराग भैया, यहाँ पे गुंडे हैं, यहाँ पे गुंडे से बाबूजी की जान को खतरा है। उनको देखो ना, कब कहाँ लेके घूम रहे, कब से बचा रहे। वो दोनों कहाँ हैं? वो दोनों भी गायब हैं, हमें दिखाई नहीं दिए। पता नहीं यहाँ पे सिक्योरिटी है ना, वो भी हमारा नहीं है। मिस्टर जी रागिनी, पता मिस्टर जी कब से बाबूजी को संभाल रहे। माइकल, तेरे से एक अच्छा पिक्चर नहीं लेने का होता है? कितना बंडल पिक है। अपने ग्रैंड किड्स को सोशल मीडिया में ये अपना पिक कैसे भेजेगा? फिर से लो। तुम क्या फोटो खींचता है? अरे ग्रास जैसी शक्ल है तुम्हारी, वैसे ही आएगा ना कैमरे में। ये लो पकड़ो। एक्सक्यूज मी आंटी, हम आपके लिए पिक्चर खींचते। हाँ मैडम जी को बहुत अच्छा फोटो खींचना आता है, दीजिए इनको कैमरा, वो अच्छा खींचेंगे। देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा फोटो निकाला है तुमने। अरे काका, हमको ये बात समझ में नहीं आया, अभी आप लोग ना ऐसे चूहा बिल्ली की तरह लड़ रहे थे एकदम, अचानक से फटाक से फोटो लेने के बाद ना आप दोनों लैला मजनू की तरह आंखों में आंखें डाल के ऐसे देख रहे हैं ना, ये कैसे हमको समझ में नहीं आया। पहले मुझे एक बात बताओ, ये लवली गर्ल तुम्हारा कौन है? हम उसका हस्बैंड, आई मतलब पति, पति माने हस्बैंड। यहाँ तब तो तुम्हें एक बात अंडरस्टैंड करना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ का प्यार होता ही ऐसा है। अब तुम दोनों पास पास आओ, मुझे तुम दोनों का फोटो निकालना है। अरे इतने दूर क्यों खड़े हो, और नजदीक आओ, और नजदीक आओ। नहीं देखो कितना लविंग पेयर है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बाय। प्यार हो गया है मैडम जी, हमको आपसे प्यार हो गया है, और हमारे दिल में अभी जैसा आंधी तूफान चल रहा है ना, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। आपसे दूर होते हैं तो एकदम बदहवास हो जाते हैं। हाँ मैडम जी, हमें आपसे प्यार हो गया है, इतना हो गया है कि आपके बिना रह नहीं सकते, और रहना तो दूर की बात है, आपके बिना हम जी नहीं सकते। आज शाम तक ये घर के जितना भी ऊंचा नीचा है सब पे फिसल पट्टी लग जाना चाहिए, क्योंकि बाबूजी का कुर्सी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए? अब बाकी पटना में हमारा बात हो चुका है गार्ड कंपनी में, और गार्ड शाम तक यहाँ आ जाएंगे। तब तक ये घर में बगैर हमारे इजाजत के एक भी परिंदा पर नहीं मारना चाहिए, सुन लो। जी भैया जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन उनका क्या जिन्होंने बाबूजी पे हमला किया था? भूसा भर देंगे ससुरा खोल के ना, भूसा भर देंगे और खड़ा कर देंगे गेट पे कि पूरा दुनिया देख ले कि का किए उसके साथ। जाओ। अम्मा जी लाइए, मुझे दीजिए, मैं दे देता हूँ। अरे दामाद जी, आप भी तो कुछ खा लीजिए, आपने भी कुछ नहीं खाया। आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी खा लूंगा, थोड़ी देर में खाता हूं। ये लो, पी लो। मिस्टर जी आप हमसे नाराज हैं? देखिए बाबूजी के लिए हमसे जो बन पड़ा ना, हम वो कर दिए और कुछ सोचे नहीं हम। अगर हमसे गलती हुआ है तो हमें माफ कर दीजिए मिस्टर जी। नहीं रागिनी, मैं तुमसे नहीं, मैं तो खुद से नाराज हूँ। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था,
भी इस हालत में ऐसे मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बहादुर हो और अपने बाबूजी से बहुत प्यार करती हो लेकिन मेरे लिए भी तुम मेरी जान हो ना अगर हमारी इस बेबी को कुछ भी हो जाता तो तुम वो सब छोड़ो तुम बस मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम मुझसे एक मिनट के लिए भी दूर नहीं रहोगी और अपना और हमारे बेबी का पूरा पूरा ध्यान रखोगी प्रॉमिस करो प्रॉमिस पक्का वाला प्रॉमिस फिर अपना ये जूस पियो अच्छे से पियो तुम्हारे चार्ट में आप भी तो कुछ नहीं खाया ना आप भी पी लीजिए नहीं मेरे चार्ट में कुछ नहीं सब कुछ हमारे ही चार्ट में है हाँ पियो पियो अब हम अपने बीते हुए कल के हर निशान से आजाद हैं हम बात किए अपना एक दोस्त है हमारा मुंबई में और बताया कि वो डॉक्टर डॉक्टर का जरूरत पड़ता है और कुछ ट्रीटमेंट होता है लेजर इसके लिए आपको हमारे साथ में मुंबई जाना पड़ेगा वो बुरा वक्त हमारी जिंदगी से बीत गया है अब हमें आगे बढ़ना होगा कहाँ मैडम जी कोई बात नहीं कुछ नहीं वो हम कह रहे थे कि हमारी कल सुबह की फ्लाइट है ना तो तब तक हम क्या करेंगे जैसा आप कहिए हमने सुना है कि मुंबई की नाइट लाइफ बहुत अच्छी होती है हाँ हम भी सुने हैं बहुत अच्छा है आई देखिए ना हम क्या बता रहे हैं आपको कि हमारे जो दोस्त है ना यहाँ पे बहुत अच्छा उनका जान पहचान है इसे डिस्को इसको में क्लब व्लब में ठीक है उनको बोलेंगे वो पास ला के दे देंगे हम लोग को रात का ठीक है हम लोग चलेंगे आज पार्टी करने यहाँ का डिस्को क्लब चलिए एक मिनट मैडम जी आज की रात हम आपको अपने दिल की बात बता देंगे हम बता देंगे कि हम आपको कितना प्यार करते हैं हम जानते हैं बैजू जो है तुम पे बहुत ही भरोसा करता है उसी भरोसे के दम पे जो है हम तुम्हें यहाँ पे बुलाए कहा कि हमारा जो है ना यहाँ के लोगों पे से जो है भरोसा एकदम ही उठ चुका है ससुरा कोई तो है इसी घर का बेदी जो हमारे यहाँ लंका ढाने का कोशिश कर रहा है और उसी इंसान को जो है ना हमें पकड़ना है और उसमें जो है ना जान का खतरा हो सकता है तो हमें सोच समझ के अभी सही बता दो कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो तो ही हम आके सोचेंगे अरे दीदी जी अरे जान आपके काम आ जाए ना तो परलोक बन जाएगा हमारा आप बताइए ना क्या करना का आप मेरे को बस खाली बताइए अभी तुम पता नहीं यही बात है कि तुमने हमारे सर से जो ये बोझा है ना वो कितना हल्का कर दिया हमारी बात को ना एकदम ध्यान से सुनो कोई तो है जो हमारे ही बाबूजी को रास्ते से हटा के ना उनका गद्दी हथियाना चाहता है ससुरा और उसी ससुरे को जो है ना हमें पकड़ना है और कैसे भी पकड़ना है लेकिन साथ साथ ना हमारे बाबूजी की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है कोई भी भूल नहीं होना चाहिए समझ रहे हो ऐसे कैसे कोई गद्दी हथियार लेगा जी अब एकदम बेफिक्र रहिए जी आपने कह दिया ना सारा का सारा काम हो जाएगा आज के बाद से ना बाबूजी का सुरक्षा भी हम करेंगे और उस आस्तीन के साहब का भी पता हम जल्दी लगा के आपको बताएंगे ठीक है दीदी चलते हैं सॉलिड हाँ दीदी बाबूजी की सुरक्षा का सवाल है इतनी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए अब एकदम टेंशन फ्री रहिए कोई चूक नहीं होगा हम पर भरोसा रखिए आप ठीक है दीदी ठीक है चलते हैं अरे बेटे तू कहाँ आ गई जाओ अपने कमरे में दामाद जी ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना जाओ अम्मा जी अब लेटे लेटे कितना आराम करेंगे सच बताया तो हम आराम करते करते ही थक गए हैं अब हम यहाँ ना बाबूजी के पास बैठना चाहते हैं ठीक है तुम ही खिलाओ अपने बाबूजी को मैं दूसरा काम निपट के आती हूँ
अरे वाह बाबूजी, देखिए अम्मा जी जो हैं आपका फेवरेट दाल बनाई है, ये लीजिए। बाबूजी आपको याद है जब हम छोटे थे तो हमारे बंदूक के निशाने पे कितना गर्व था, दम घमंड था हमें, कैसे हम भागते रहते थे अपना बंदूक लेके, कभी शीशा फोड़ देते थे, कभी गमला फोड़ देते थे। हमें पता क्या लगता था बाबूजी, हमें ऐसा लगता था कि हमारा बंदूक हमारे हाथ पे रहेगा ना तो हम पूरा दुनिया जीत सकते हैं, हमें ऐसा लगता था। लेकिन तब आपने हमें समझाया कि दुनिया को जीतने के लिए ना बंदूक का नहीं, यहाँ से जो है मजबूत होना बहुत ही जरूरी है और अपने आप पे विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। और वही हुआ, हम कैसे अस्पताल से जो है आपको बिना किसी हथियार के अपने पे विश्वास करके कैसे आपको वहां से लेकर आ गए। लेकिन हम देख रहे थे बाबूजी आप चुपचाप जो है ना हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे, है ना, बहुत गर्व है हमें बाबूजी आप पे, बहुत गर्व है। आ देखो थत्तेरी, जो बात बताने आए थे वो बात तो बताए नहीं हम आपको। आपको पता है बाबूजी आपका तबीयत खराब हुआ ना उसके बाद पराग भैया जो है ना उनको एकदम पगला गए हैं, वह कहीं से सब कुछ संभाल लिए हैं, पूरा जिम्मेदारी खुद ले ली है, सब 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 अच्छे से कर रहे हैं। हम जो है ना हम फालतू में उनकी प्रतिभा पर शक कर रहे थे बाबूजी, और हम जो है ना हम तो कुछ नहीं कर रहे, बस थोड़ा सा जो है पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। सब अच्छा हो जाएगा बाबूजी, देखिएगा बाबा। अरे दाल तो पिलाई नहीं आपको, पीछे आपके लिए हम एक तोहफा लेके आए, पूरा का पूरा आपके लिए आएगी, 100% आपके लिए आएगी, लीजिए। लेकिन ये आप क्या लाए हैं और क्यों लाए हैं आप साफ साफ बताइए। कहा है ना कि मैडम जी आप ना अपना जिंदगी का नया शुरुआत करने जा रहे हैं, और आपको देखा तो बहुत खुश भी लग रहे हैं यार, आपका खुशी हमको बहुत अच्छा लग रहा था, तो आपने कहा कि आपको मुंबई का नाइट लाइफ देखना है, तो हम बात किए अपने दोस्त से, अब पता किए कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या पहनना भी है, उसके हिसाब से हम आपके लिए नई तोहफा लेके आए हैं आपके लिए, ताकि आप पहने तो आप बहुत अच्छी भी लगे। और कहा है ना कि जैसा देश वैसा भेस, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कहीं गाँव से आए हैं, तो जो इसीलिए आपके तोहफा लेके आए हैं तो आपको पसंद, पता बोल दिया जो बोलना था। पानी पियो पहले। हम ऐसे कपड़े कैसे ले सकते हैं? चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। थैंक यू बैजू। तो मैडम जी आपको हमारा तोहफा पसंद आया ना, है
हमारा पूरा मेहनत सफल हो गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन तुम ऐसे ही जाओगे इसी होलिया में? नहीं मैडम जी, हम अपने लिए भी कुछ सोच के रखे हैं। दो घंटा दिए हम दिखाएंगे आपको। आप एक काम कीजिए, आपके पास दो घंटा है, आप तैयार हो जाइए, तब तक हम भी तैयार होके आते हैं। ठीक है? ठीक है, मिलते हैं दो घंटे के बाद। दोबारा दर्शन देने का आए हैं यहाँ पे? नमस्कार रागिनी जी। अब विकराल जी कैसन हैं? हमें जैसे ही पता चला कि बड़े साहब अस्पताल की छुट्टी लेकर के घर पे आ गए, तो बस चले आए मुलाकात करने के लिए। आ गए हैं, ठीक भी हैं, लेकिन अभी मुलाकात नहीं हो सकती, समझे? जब मुलाकात होनी होगी तब आपको बता दिया जाएगा, आ जाइएगा, मिल लिएगा। अभी जो है यहाँ से खर्चा हो जाइए, चलिए जाइए। रागिनी बेटा, राजनीति में खेल बदलते देर नहीं लगता। ठाकुर साहब की गैर मौजूदगी में पार्टी चलाने के लिए किसी को तो आगे आना होगा कि नहीं? अब किसी को कार्यकारी अध्यक्ष चुनके पार्टी की गतिविधि को आगे बढ़ाना चाहिए, और हम में से हर कोई ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। अच्छा, वाह, क्या ज्ञान का बात कर रहे हैं आप हमारे साथ यहाँ पर आके। हाँ, अभी हमारी बाबूजी की तबीयत खराब हुए, 48 घंटे नहीं हुए हैं, और आप सब लोग यहाँ आके उनका विकल्प तलाशने लगे। दिमाग खराब है क्या आप सबका? रागिनी बेटा, आप हमें गलत समझ रही हैं। अब आप लोग ना हमारा बात जो है ना एकदम ध्यान से सुनना। ना तो यहाँ पे कोई चुनाव हो रहा है और ना ही कोई हमारी पार्टी का आंदोलन निकलेगा, ठीक है? हमारे बाबूजी अध्यक्ष हैं, उहे ही सारा फैसला लेंगे। जब वो ठीक हो जाएंगे तो सब ये फैसला बाद में ले लिया जाएगा। अभी ना यहाँ से निकलो। क्या 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 मुंह ताक रहे हो, मुंह दिखाई चल रही है यहाँ पे? समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, हमारा बात ना ध्यान से सुनो। ये अपना सलाह और सुझाव ना अपने पास रखो, हमारे सामने लेकर मत आओ, पहली बात। और दूसरी बात, गलती से भी अगर हमारे बाबूजी की गद्दी के बारे में सोचा ना, तो जिस घर में तुम बैठते हो ना, जिस सोफे पे, वो उठा के यहाँ ले आएंगे, समझे तुम? निकलो अब यहाँ से, निकलो। मिस्टर जी, अभी हमारा दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है, आप प्लीज अपना उचाट वाट मत हमारे सामने निकालिए। क्यों ना कहूं? और मैं नहीं कहूंगा तो और कौन कहेगा रागिनी? एक तो तुम ऑलरेडी बाबूजी की तबीयत को लेकर परेशान हो, पर ये सब काम ये सब तुम संभालोगी? अरे ये सब तुम संभालोगी तो तुम्हारी तबीयत को कौन संभालेगा? पराग है ना, पराग को बोलो, पराग करेगा ये सब। उसको ज्यादा पता है ना कि तुम, तब से बोलता हूँ आराम करो ना, ठीक से खाती हो ना, ठीक से पीती हो, और कुछ कहता हूँ तो बोलो, बोलो मत। और ये इतना गुस्सा, देखो रागिनी, इतना गुस्सा करने से हमारे बीबी पे गलत असर पड़ेगा। प्लीज थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा रिलैक्स करो। कितनी बार तुमसे कहा है, ऊपर से मुझे कहती है कुछ बोलो मत। मैं बोलूंगा, और जो बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। रागिनी रो मत प्लीज। अभी बात प्यार से भी तो कह सकते थे ना मिस्टर जी, इतना डांटने का क्या जरूरत है? हमारा वैसे ही बहुत दिमाग खराब हो रहा है, बाबूजी की तबीयत, और फिर ये सब लोग, ये सारा ड्रामा। रागिनी प्लीज, प्लीज मत रो, प्लीज। हमारे दिमाग में पता है कैसे उल्टा सीधा बात आता है, पर से आप अपना गोला दागे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारा सर है ना फट जाएगा, हमारा तबीयत खराब हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या क्या लग रहा है। नहीं रागिनी, कुछ नहीं होगा, रागिनी कुछ नहीं होगा। प्रेगनेंसी है ना, थोड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं, थोड़ा मूड खराब होता है, इट्स ओके। हार्मोनियम चेंज? हार्मोनियम नहीं, हार। तुम वो सब छोड़ो और सबसे पहले रोना बंद करो प्लीज। इधर आओ, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। बैजू, ये तुम हो? हाँ? हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए। हाँ? बहुत अच्छी लग रहे हो। हाँ?
बैजू बैजू क्या हो गया, कहाँ खोए हुए हो? हम कब से तुम्हें आवाजें दे रहे हैं, तुम सुन ही नहीं रहे हो। सब ठीक? ये फूल बहुत सुंदर है। अब चले। हाय, हाय तो यही सपना था थक तेरी की। हाय, अब बंसी वाला ऐसा हमारा जिंदगी में कैसे होगा, कब होगा बताओ तो। आ थोड़ा मदद करो, हिम्मत दो हमको, आए ताकि जल्दी ऐसा कुछ हो हमारे साथ।